दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भ्रष्ट नेताओं की बातों में आकर नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा है, लोकतंत्र है, विरोध करें या समर्थन, ये तो आपका अपना निर्णय व हक है। पर मोदी का विरोध करके आप समर्थन करना किसका चाहते हैं, ये बड़ा गंभीर सवाल है। क्या मुलायम, लालू, मायावती, सोनिया, राहुल, केजरीवाल, ममता बनर्जी, वामपंथी, ये सब नरेंद्र मोदी से बेहतर है या इनका रिकॉर्ड बेहतर है? क्या नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री काल की तुलना में ममता बनर्जी अखिलेश आदि का कार्यकाल बेहतर नजर आता है? तुलना करनी है तो गुजरात के किसी छोटे शहर में जाकर एक नजर मारिए और फिर इन अन्य राज्यों का भ्रमण कीजिए। राजनीति में प्रवेश के समय लालू और मुलायम दोनों के घर की स्थिति ऐसी थी कि इनके पास साइकिल और लालटेन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जाति के नाम पर चलने वाले नेता आज अरबपति हैं। रामगोपाल चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं तो शिवपाल ऑडी में। कहां से आया इतना पैसा? क्या ये लोग नरेंद्र मोदी से बेहतर हैं? सोनिया जी के बेटा, बेटी और दामाद आज सभी अरबपति हैं। क्या ये नरेंद्र मोदी से बेहतर हैं? क्या 35 साल बंगाल में राज करने वाले वामपंथी नरेंद्र मोदी से बेहतर हैं? केजरीवाल ने विज्ञापन चलाकर दिल्ली के लोगों को चूना लगाया। वाईफाई, सीसीटीवी, 150 कॉलेज, 500 स्कूल के झूठे वादे, क्या ये केजरीवाल नरेंद्र मोदी से बेहतर है? जब मायावती राजनीति करने निकली थी और कांशीराम की साथी थी, तब उसके घर में दिया जलाने का धन नहीं था, साइकिल से प्रचार करती थी। आज उसका सैंडल भी प्लेन से आता है। उनके भाई के पास 497 कंपनियां हैं। क्या ये नरेंद्र मोदी से बेहतर है? मोदी का विरोध करने वालों, विरोध करो, पर समर्थन किसका करना है ये तो तय करो। कोई बेहतर विकल्प हो तो बताओ। थोड़ा देश का भी सोचो, कितना बर्बाद करवाओगे, कितना लुटवाना है। मुझे नहीं मालूम कि मैं मोदी को क्यों पसंद करती हूं, लेकिन मेरे पास कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी को नापसंद करने के बहुत कारण हैं। मुझे नहीं मालूम कि अच्छे दिन आएंगे या नहीं, पर मोदी जी के अतिरिक्त और कोई राजनेता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता जो भारत के अच्छे दिनों के लिए तन और मन से प्रयत्न करता हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मोदी जी के पास इतिहास की जानकारी है या नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि उनके पास भविष्य की पूरी तैयारी है। चलिए मान लीजिए मैं मोदी भक्त हूं, लेकिन ऊपर वाले ने तो बुद्धि आपको भी दी है ना। आप ईमानदारी से सोचिए, केवल अपने लिए नहीं, देश हित के लिए। यदि आप थोड़ा सा भी मेरी बात समझते हैं और समर्थन करते हैं तो देश हित पे इस बात पर विचार अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।